हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। देश की सबसे बड़ी अदालत जिसमें बहुजन समाज के जज ना के बराबर हैं, उसी अदालत से बहुजनों के प्रतिनिधित्व यानी आरक्षण से जुड़े मसले पर पिछले कई दिनों से अहम टिप्पणियां आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियों से SC ST और OBC को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण पर कुछ खतरा सा महसूस होने लगा है। अब तो एक जज साहब ने इशारों में जातिगत आरक्षण को खत्म करने की बात तक कह डाली। मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए बनाए गए महाराष्ट्र सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018 पर सुनवाई के 9वें दिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ की ओर से इशारों ही इशारों में EWS को छोड़कर सभी तरह के आरक्षण को खत्म करने जैसी गंभीर टिप्पणी की गई है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा कि इस बारे में फैसला संसद को करना चाहिए। लाइव लो की खबर के मुताबिक SCBC वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट श्रीराम पी पिंगले ने कोर्ट में कहा, जाति कमरे में मौजूद हाथी की तरह है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आरक्षण को बढ़ाने के लिए इंदिरा सानी जजमेंट के आधार पर इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। चरणबद्ध तरीके से जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। इस स्टेटमेंट के जवाब में जस्टिस अशोक भूषण ने कहा, ये संसद और विधायिका का काम है। जब संविधान को अपनाया गया तो एक जाति मुक्त समाज का मकसद था। ये शुरुआत हो सकती है कि सभी तरह के आरक्षण खत्म हो और सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण रहे, लेकिन ये सब नीतिगत है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसका असर होता है और ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत के इस बयान का बहुजन समाज पर गहरा असर हो सकता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि आखिर कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण रहेगा, जिसके बाद ये सवाल भी उठा कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछता कि आखिर कितनी पीढ़ियों तक जातिवाद रहेगा। सवाल तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों सभी जाति और वर्गों के लोगों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, क्यों बिना किसी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के कॉलेजियम सिस्टम के जरिए चुनिंदा जातियों के लोग ही सालों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते आ रहे हैं। क्या संविधान अपनाते वक्त बाबा साहब और हमारे पुरखों ने जाति मुक्त समाज के साथ साथ एक ऐसी शासन व्यवस्था का सपना नहीं देखा था जहां सबकी भागीदारी हो, जहां हर कोई इस देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाए? जज साहब को ये सवाल भी जरूर उठाने चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट के जरिए जरूर बताएं और अपनी राय भी जरूर दें। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट के जरिए बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे वहां जरूर लाइक करें और हमारे पेज को भी फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द न्यूज वीक को जरूर सब्सक्राइब करें। द शूद्र अब द न्यूज वीक हो चुका है। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मदद कर रही है मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं।